मेरा रूम का वो जो लॉक है ना, किसी ने ऑन करके कमरे के अंदर घुस गया। देखा यहाँ पर एक जो आया ना ये बंदा, और उसके बाद मैं पुलिस के भी कंप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से, तो पुलिस को एफ आई आर करने के लिए। देखो मैंने ऐसे ही करके, ये मेरा वीकनेस नहीं, आप लोग का वीकनेस है ये। मेरा मूड इतना ऑफ है ना, तो सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया हूँ। अभी दिन का हो रहा है करीबन लाइक 12:20 हो रहा है अभी दिन का। ये मेरा रूम का ये जो हालत है ना, ये कुछ ऐसा देखा दिया मैंने। जितना हो सके मेरे ये को वीडियो को जितना हो सके इंडिया में शेयर कर दो ना बस। तो आपका कुछ अंदर से सामान गायब? हाँ, वही सामान गायब, इस तरफ का रहा सामान गायब, सिर्फ नहीं सामान कुछ इस तरफ का किया हुआ है मेरा। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, आप सभी लोगों में ब्लॉग पर स्वागत है एक और नए दिन की शुरुआत। तो अभी शाम हो चुका है, जस्ट मैंने आज का ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू कर रहा है। क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक बहुत ज़रूर बात है, मैं आप सभी लोग को अभी थोड़ा देर में दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने जस्ट मेरा डिनर करके आया बाहर से, और मैं दिन शाम को मैं यहाँ से करीबन 3 बजे यहाँ से निकल गया और अपर टी सी भी घूम लिया, और उसके बाद थोड़ा वो व्यू लोग देखने के लिए गया, और उसके बाद डिनर वगैरह खा के अभी हो रहा है शाम का करीबन लाइक 7:57 हो रहा है। तो जैसे मैं जाते हुए वक्त ना, ये जो मेरा रूम का ये डोर है ना, ये डोर का ये की, ये रहा मेरा की, और ये एक्चुअली इसका ये जो लॉक है ना, ये हो गया, ये जितना करने से भी लॉक नहीं हो रहा है। देखो अभी मैंने जब किया ना उस टाइम चेक नहीं किया, तो अभी चेक कर रहा हूँ कि ये लॉक नहीं हो रहा है। देखो जब मैं यहाँ से किया, मैंने एक ऐसे करके, और ये जो की है ना, की जस्ट निकल के बाहर गया था। अभी जस्ट मैंने ये की ऐसा डाला, डालते वक्त ऐसे खुद खोल गया, और मैंने देखो भाई ये मेरा रूम का ये जो हालत है ना, ये कुछ ऐसा देखा दिया मैंने। और देखो भाई शायद यहाँ पर मालूम नहीं है कि उन लोग का स्टाफ है, ये कौन घुस गया होगा इसके अंदर। पहले ये टीवी को ऑफ कर लेते हैं, ये अभी थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, मालूम नहीं भाई। पूरा देखो ये पर्स, इसके अंदर थोड़ा पैसा था वो सब निकल गया, एटीएम और ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ऐसे करके रख दिया है। देखो भाई सामान सब ऐसे करके रख दिया है, और मेरा ये डॉक्यूमेंट्स देखो भाई, उन लोग ने मेरे डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे अच्छे रख दिया है। और यहाँ से बैग से मेरा ये इसके अंदर डॉलर यूरो था, वो भी सब छीन के ले गया। तो चल देखते हैं अभी, सबसे पहले ऊपर काउंटर में जाते हैं अभी, क्योंकि मालूम नहीं है क्या हो गया मेरे साथ। सीधा निकलते ऊपर काउंटर की तरफ। हेलो नमस्ते, आप रिसेप्शन हो? आप रिसेप्शनिस्ट हो? बताइए। मेरा रूम नंबर नीचे 202 है। मेरा रूम का वो जो लॉक है ना, किसी ने ऑन करके कमरे के अंदर घुस गए। आप आइए, दिखाई दूंगा मैं, मेरा सामान सब गुम हो गया। आप आइए, यहाँ का स्टाफ आओ आप। तो मेरा ये रहा भैया जी रिसेप्शन, ये जो यहाँ पर रहता है। तो अभी मैं भैया जी को मेरे रूम की हालत क्या हो गया है इसको एक बार देखा लेती हूँ। सीसी कैमरा है ना? वही कौन? ये देखो भाई मेरा रूम का हालत कुछ ऐसा हुआ है, और मेरा पर्स वगैरह देखो, लाइसेंस, मेरे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ कपड़ा सब। ये लॉक कैसा था बोलने से, चाबी तो लॉक नहीं लगाया था इसको ऐसा दे। आप इधर आइए ना पहले बाहर, ये लॉक हो गया ना। मैं जाते वक्त कॉल, हम लोग ऊपर रूम में रह रहा था, और जब ऊपर रूम में रह रहा था तो मैंने एक बार ये की डाल के, ये की डाल दिया, और ऐसे तान के ये को दो बार ऐसा करके मैं ये निकल के चला गया। तो अभी आया तो ऐसे दे, ये चाबी जैसा डाला ना, ये रूम, ये दरवाजा अपने आप खोल गया। यहाँ पर एक भैया भी था, वो भैया ने भी देखा ये रूम अपने आप खोल गया बोल के। कौन भैया? यहाँ एक भैया आ रहा था अभी, यहाँ से ऊपर गया वो भैया। कहाँ गया भैया? ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया, मालूम ना ये कौन क्या नहीं। मेरे ये दरवाजा ऐसे खोलते वक्त अब वो ने देखा, बोला मैंने, मैं जब खोला ना इसको, तो अब देखो ये लॉक ही नहीं हो रहा है यार। लॉक कैसे नहीं हो रहा है? वो तो रहा है लॉक, कैसे नहीं हो रहा? तो मैंने अभी जब किया तो देखो, मैंने ऐसे ही करके, ये मेरा वीकनेस नहीं, आप लोग का वीकनेस है ये। मेरा अंदर पैसा गुम हो गया है, आप लोग क्या करना है वो अब देखो ना, हालत क्या कर दिया मेरे रूम का।
तो भाई मेरे आपने जब लगाया तो आप बोल नहीं सकते थे उसी टाइम। पोर्च से सब ले गया है, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे छोड़ के चला गया, और मेरे ड्रोन का ये सर्टिफिकेट लोग पूरा निकल के ऐसे करके रखा, कपड़ा सब ऐसे करके रखा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब सीसी कैमरा चेक करने से भी होगा। ठीक है ठीक है। और देखो ड्रोन नहीं ले गया, उन शायद उसको मालूम नहीं हो गया। देखो मैंने एक बार सिर्फ लॉक किया, अभी आपने लॉक किया तो लॉक नहीं लग रहा था ना, नहीं लग गया है। आपने दो बार किया तो कहाँ लॉक लग गया, आप भी ऐसे झूठ बोल रहे हैं। भाई कैमरा है, आप क्यों? हाँ वही तो, वही तो, ये तो मेरा प्रूफ, मैं व्लॉगर हूँ क्या? कैमरा है। हाँ वही तो, कैमरा है ना, ये तो मेरे जनता के लिए दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं व्लॉगर हूँ। हाँ इतना टाइट करने से तो होगा। मैंने कल ऊपर का रूम का जैसे ही एक बार ही लॉक किया और मैं निकल गया। मैं यहाँ से अब सीसी कैमरा में चेक कर लो, मैं शायद यहाँ से शाम को 4 या 5 बजे यहाँ से निकल गया था घूमने के लिए, और अभी आ रहा हूँ डिनर करके। तो बंदा कौन था यार, यार अंदर कौन था? अब बंदर अंदर नहीं था, जब मैंने ये डोर ओपन किया ना, मैंने ये की देखो भैया जी, ये ओ भैया जी इधर देखो ना, ये ऐसा था, मेरे को सोचा था ये लॉक हो गया, ये की मैंने ऐसा सिर्फ डाला, ये अपना आप ऐसा करके खोल गया ये दरवाज़ा, उसका मतलब कि ये लॉक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जाते वक्त तो ये पूरा टाइट करके गया था। आप लोग का ये जो डोर का लॉक है ना, पूरा वीक है, तब आपको देखना चाहिए ना ये, अगर लॉक नहीं हो रहा। अरे देखना तो चाहिए, लेकिन मेरे मैंने ना 2-3 बार टाइप करके किया था, टाइप करके किया था। हाँ वही तो, कैमरा देखने चलो बोल रहा हूँ मैं, हुआ देते कैमरे चला हुआ भाई, कैमरे में रिकॉर्डिंग सब। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को वीडियो शूट नहीं, ब्लॉगर हूँ, पूरा नेपाल से यहाँ घूमने आए हो क्या, ऐसे हरकत हो गया तो। बड़ा मजा, दरवाजा खुला था, दरवाजा खुला था। हाँ कौन सा भैया? मेरा ये दरवाजा खुला था, आप आया तो खुला था। हाँ अभी आपने लॉक नहीं किया था, लॉक ऐसा अब भी इधर होता, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये कॉल में रियात रहा था ऊपर 503 रूम नंबर ना मेरा कल। हाँ ऊपर रूम में ऐसे करो, वो एक ऐसे करने से लॉक लग रहा था एक ही बार में, तो मैं सोचा ये भी ऐसा ही सिस्टम है बोल के। जब मैं यहाँ से गया, इसको 2 बार ऐसे लॉक करके गया, तो मेरे को सोचा ये तो घूम रहा था तो लॉक हो गया सोचा मेरे को। तो उसी टाइम देखना चाहिए ना यार आपको, आपका रूम चेक करना चाहिए आपको। तब मैं बाहर से आया तो मैंने ये भाई बाहर से कैसे पता चला, तो पहले देखना चाहिए था ना आपको। तो आपको कुछ अंदर से सामान गायब? हाँ वही सामान गायब, इस तरफ का रहा सामान गायब, सिर्फ नहीं सामान कुछ इस तरफ का किया हुआ है मेरा, पर्स का, ये ड्राइविंग लाइसेंस और मेरा ये एटीएम कार्ड सिर्फ यहाँ पर रखा हुआ है। आप अपना सामान चेक करो। हाँ वही सामान तो पैसा नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ इसके अंदर 3000 था मेरे पास, 3000, और मेरा डॉलर यूरो भी नहीं है। तो अभी उन लोग के पास ना यहाँ में कुछ सीसी कैमरा है, और अभी सीसी कैमरा में कुछ चेकिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ फुटेज मिल जाए तो, और क्योंकि फुटेज मिल जाने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ पुलिस के रिफ़र करने के लिए मैं यहाँ से, क्योंकि ना हम लोग जब होटल में आता है ना, उन लोग का रिसेप्शन है, रिसेप्शन में कौन कौन बंदे अंदर जा रहे हैं ना जा रहे ये देखने, तो उन लोग का ड्यूटी है ना, क्योंकि रिसेप्शन यहीं पर है और रास्ता यहीं जाने के लिए बना हुआ है, और इतना इधर भी नहीं देख रहा है। अब ये रहा तो अभी सीसी कैमरा, तो अभी हम लोग यहीं पर कुछ फुटेज चेक कर रहे हैं। तो गाइस ना ये मेरा नेक्स्ट डे है, तो कल हम लोग ऊपर सीसीटीवी में देख रहा था, और देखते वक्त उसके बाद में लाइट चला गया, और उसके बाद लाइट आई नहीं तो देखने के लिए नहीं मिला, तो आज अभी फिर सुबह लाइट आ चुका है, तो अभी फिर देखने के लिए जा रहा है सीसी कैमरा में फुटेज में क्या होगा, और उसके बाद मैं पुलिस के भी कंप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से, तो पुलिस को एफ आई आर करने के लिए। और मेरा जो मेरा साथ ये जो हुआ है ना अभी, तो अभी मैंने सब पूरा ये सेटल कर दिया, और अभी मैं यहाँ से चेकआउट भी करने वाला हूँ, क्योंकि कल रात तो यहीं ही होटल में रुका, क्योंकि मैंने पेमेंट आगे कर गया था, तो इसी के वजह से। बस ये है कि उन लोग ने मेरे को क्या किया बोलने से, मैं उसका आगे दिन में ऊपर रूम में रह रहा था 503 में, और कल उन लोग ने कुछ कुछ क्या बोल के मेरे को पूरा अंडरग्राउंड में भेजा, और इसका रूम नंबर है 202। बस यहाँ में लॉक भी अच्छा नहीं था, यहाँ का जो स्टाफ है ना उन लोग को भी 3-4 बार लग रहा है कि ये लॉक करने के लिए, उन लोग ने मेरे आगे कुछ भी नहीं बोला ये लॉक अच्छा है या नहीं, कुछ भी नहीं बोला, तो इसी की वजह से मेरे को लग रहा है उन लोग का शायद प्री प्लान होगा, उन लोग ने पहले से पता होगा, और उन लोग ने
आगे से देख के बैठा हो गया था, और जब मैं यहाँ से निकल गया था और उन लोग का ही शायद एक स्टाफ ने किया होगा, पर एक इतना तो मेरे मालूम नहीं है कि मैंने आँख से नहीं देखा है ना। अभी जा रहा हूँ सीसी कैमरा देखने में, तो ये रहा, अभी मैं आ गया इधर। अब देखो भैया, ये मैं इधर है ना, अब ये मैं इधर, ये रूम है कि नहीं क्या मेरा, और मैं इधर गया और देखो इधर से एक आएगा बंदा। अब मैं मेरा रूम की तरफ गया ना इधर वाइट शूज, अब देखा यहाँ पर एक जो आया ना ये बंदा, ये आप लोग का क्या स्टाफ है कि ये स्टाफ नहीं है, ये बंदा अब ये शायद मेरे को लग रहा है कि, तो अभी मैं नीचे गया, जैसे मैं मेरा रूम के पास लॉक खोला ना, वैसे वो बंदा मेरा उस तरफ था और वो उधर से ऐसे ही लॉक के निकल के गया। तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि यही है बोल के, तो अभी भी फिर कुछ चेक कर रहा हूँ अभी। तो भाई मेरा साथ जो अभी हालत हुआ ना, तो अभी मैंने आप सभी लोगों को ये जो होटल का जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये अभी तक मैंने आप सभी लोगों को नहीं बताया हूँ। तो अभी मैंने सीसी कैमरा भी चेकिंग कर लिया, और शायद उन लोगों का जो फुटेज है ना, इतना एग्जैक्ट प्रॉपर फुटेज नहीं था, जहाँ कि मेरे रूम की तरफ भी नहीं देखा रहा था, और यहाँ का मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ का जो उन लोग का स्टाफ है ना, उन लोग का शायद कुछ प्लान कन्फर्म भी नहीं हो, शायद उन लोग ने ऐसे प्लान किया होगा, क्योंकि उन लोग का बंदा एक नीचे गया और उसके बाद ऊपर नहीं आया, फिर थोड़ा देर के बाद आया और मेरे को थोड़ा देख लिया, और अभी मैं अभी जिस होटल में रह गया था ना, तो ये रहा अभी ये लक्ष्मी बोल के होटल है, अभी ये जो देख रहा है ना, तो ये जो होटल देख रहा है ना, यहीं पर रह गया था और इसी होटल में मेरे को साथ ये हो गया। तो अभी भी उधर सीसी कैमरा चालू किया है, तो अभी मैंने यहाँ पर सब बैग वगैरह सब रख चुका हूँ। तो अभी ये भैया ने मेरे को थोड़ा मदद किया, धन्यवाद हाँ भैया जी मदद करने के लिए, थैंक यू। तो ये भैया ने मेरे को पूरा ये थोड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि ना यहाँ होटल का आदमी लोग ना इतना चुतिया था, उन लोग ने मेरे को ना एक बार तो उन लोग ने मेरे को मारने भी लगा, और मेरा भी तो हिम्मत है ना, क्योंकि और उन लोग ने ऐसे किया। तो अभी यही है, तो बस अब लोग भी अगर यहाँ पर आते हो तो बस इस लक्ष्मी होटल से थोड़ा बस के रहना, यही कहने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ना कल हम लोग नीचे से आ रहा था धर्मशाला से, उन लोग ने हम लोग को पूरा रास्ता में रोक के छीन के लेके किया था, और यहाँ पर आया और अभी कुछ इस तरफ का हो रहा है, तो यही है। तो अभी तो मैंने उन लोग का क्यों होटल का इतना इमेज क्यों ख़राब करना है बोल के पुलिस का भी कुछ भी नहीं किया, और यही है। तो अभी देखते हैं अभी क्या होगा, तो आज मेरा मूड इतना ऑफ है ना, तो सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया हूँ, अभी दिन का हो रहा है करीबन लाइक 12:20 हो रहा है अभी दिन का, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, इसी का चक्कर में लगा हुआ था मैं सुबह से, और अभी फाइनली ये हो गया, और देखते अब कुछ भी नहीं, उन लोग ने कुछ पता भी नहीं लग रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो अभी फिर यहाँ से चेकआउट करना होगा और फिर मेरे को एक दूसरा होटल खोज के, तो आज मेरा शाम का बस है। तो बस यही है, ऐसा आदमी भी मिलते हैं, अब अगर ट्रैवल करते हो ना, सोलो ट्रैवल करते हो वक्त भाई, यही है। तो भाई क्या करूँ, अब जो हो गया हो गया, मेरे को मेरे साथ जो पैसा गुम हो गया ना, मेरे को तो इतना मतलब भी नहीं था, जावत वो 3,000 रुपये तो है, 3,000 रुपये में अभी का टाइम में क्या मिलते हैं, उससे मेरे को लेना देना कुछ फ़र्क नहीं है। तो बस मैं आप सभी लोगों को भी यही कहने जा रहा हूँ कि ऐसा आदमी लोग के साथ जो हरकत करता है ना, उन लोग के साथ रह के रहना, और जब भी आप ट्रैवल करते हो बस स्टैंड में कुछ मिलता है ना, तो उन लोग के साथ कभी भी उन लोग के साथ बातचीत मत करना, इंटरफेयर मत करना, बस अपना खुद रास्ता चले जाओ और अपना वो यही करते रहना, बस यही कहते हो। मैं ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर लेते हूँ, और जितना हो सके मेरे ये को वीडियो को जितना हो सके इंडिया में शेयर कर दो ना, बस आप लोग के साथ भी कैसे ऐसा होगा तो एक छोटा सा कमेंट करके जाना। तो बाय बाय।